दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। सो आज मुझे स्कूल से आने में देर हो गई थी। बेसिकली आज जो है मंडे है और अभी मैंने आपको कुछ व्लॉग में बताया था कि माझी शाळा सुंदर महाराष्ट्र में उपक्रम शुरू है, तो उसकी मतलब सर्वे करने के, यानी कि उसको मतलब स्कूल में वो फंक्शन हुए कि नहीं हुए, किस तरह से हुए, ये देखने के लिए तीन टीचर स्टाफ आए थे। तो वो आए थे तो उन लोगों को मतलब बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो लॉगिन तो मैंने किया था, लॉगिन आईडी जितना भी प्रोसीजर था सब कुछ स्कूल का, क्योंकि हमें लॉगिन करके उस फंक्शन के फ़ोटोज़ अपलोड करने थे, इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने। और तो लॉगिन करके आधे से ज़्यादा फ़ोटो अपलोड मैंने किए थे और आधे से ज़्यादा काम जो हमारे सेकंड मैम ने किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इसलिए मुझे मैम ने रुका दिया था, इसलिए मैं अपनी जो रेगुलर बस होती है उससे तो नहीं आई थी घर पर। देन उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मुझे मेरा काम वहाँ पर पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जाते ही हमें पूछा कि आपने किस मतलब पासवर्ड से आपने लॉगिन किया। तो पासवर्ड तो मुझे ही पता था क्योंकि लॉगिन मैंने की थी ना, तो मैंने पूरा पासवर्ड वगैरह उन्हें बताया, सिस्टम बताया कि क्या है कैसे है। तो सारी जो बुक्स वगैरह हमने बनाई वो बताई पूरी स्कूल को, मतलब उन्होंने देखा कि किस तरह से डेकोरेट किया गया, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या किस तरह से फंक्शन किए जाते, सारा जितना भी हमें टॉपिक दिया था उसमें 25 या कुछ तो भी टॉपिक थे, सभी के सभी टॉपिक उन्होंने देखे। कुछ टॉपिक जो हम लोगों को नहीं थे तो उन लोगों ने वो भी पूछा क्यों नहीं है, क्या है सब कुछ रीजन। तो वो सब कुछ होने के बाद मैं फाइनली घर पर आ चुकी हूँ। तो आज है सोमवार, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो आज मेरा फास्ट रहता है, तो फास्ट है। तो अभी फिलहाल नाश्ता कर लेते, यहाँ पर तिल की जो मतलब बड़ी होती है ना, वो मेरी आई ने बनाई है, तो अभी वो खाते हैं और आज के दिन को शुरू कर देते हैं। तिल खाने के बाद हम करेंगे पढ़ाई, तो बेसिकली पढ़ाई भी तो अभी करनी है। वैसे मेरा पीडी का चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो पूरी पीडी जो मेरे पोर्शन है मुझे ख़त्म करने पूरे के पूरे। और उसके पहले हम नाश्ता कर लेते हैं पहले, क्योंकि सुबह से स्कूल गए तो मतलब दूध और केला खा कर ही गई थी मैं, और काफ़ी देर तक रुकना पड़ा मुझे क्योंकि आज स्कूल में ना वो टीचर स्टाफ आए थे ना, इस वजह से। तो अभी नाश्ता करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो अभी दोपहर का समय हो चुका है, तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो नारियल है तो नारियल पानी पी लिया मैंने। तो इसमें जो मतलब मलाई होती है ना बेसिकली, अभी वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये मलाई काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें है। तो ये जो बड़ा वाला नारियल होता है उसमें मलाई ज़्यादा होती है, और जो छोटा वाला नारियल होता है उसमें जो पानी ज़्यादा होता है। तो ये भैया ने हमें मलाई ज़्यादा वाला ही नारियल दे दिया, वैसे तो मैंने उन्हें पानी वाला बोला था, ऐसे तो हर कोई करता है। और मुझे बताइए आप में से कौन कौन से लोग जो भी मतलब धूप काल लगता है या मई का महीना, अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है, तो कौन कौन नारियल पानी पीता है, और इसमें क्या क्या तरह के प्रोटीन्स वगैरह होते हैं नारियल पानी में। तो शाम का समय था, तो ये जो नाना जी हमारे घर पर आ गए थे मेरे बाबा जी से बात करने के लिए। तो बेसिकली मेरे बाबा पहले सरपंच थे ना, तो इसलिए यहाँ पर बातें करने के लिए आए हैं। कुछ उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, घर के काम किए, उसके बाद जो मेरा उपवास था उपवास हो गया, देव पूजा वगैरह करके। देखिए यहाँ पर दिया जल रहा है, ऊपर महादेव जी की पिंड, वहाँ पर जो नैवेद्य है वो रखा। तो आज ऐसे भी था आज का मेरा पूरा दिन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।